दोस्तों यही है वो पौधे का पत्ता जिसका इस्तेमाल हम आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों ये पत्ते बड़े गुणकारी होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े जो रोग होते हैं उसमें इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर भी इन पत्तों की सलाह काफ़ी स्पेसिफिक रोगों में करने की देते हैं। तो क्या है ये पत्ता और किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में इसका यूज होता है और इसके द्वारा किस प्रकार से हम अपनी औषधि तैयार कर सकते हैं, उसका डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इन पत्तों को आम बोलचाल की भाषा में हरसिंगार का पत्ता कहते हैं। हरसिंगार का पेड़ होता है, उसी में ये पत्ते होते हैं। ये पत्ते आसानी से, ये जो पौधा है बड़ी ही आसानी से हर गाँव में मिल जाता है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि हाँ ये हरसिंगार का पेड़ है और ये उसी के पत्ते हैं। अब इसके पहचान का तरीका क्या है? दोस्तों ये जो पत्ता होता है ऊपर के साइड में, इस साइड से जब आप चलाएंगे अपनी उंगलियां तो ये हल्का मुलायम प्रतीत होगा और जब उल्टी साइड से चलाएंगे तो ये रुखड़ा सा प्रतीत होगा। ये पत्ता इस तरह से नुकीला होता है और इसमें कई कई जगहों पर साइड साइड में हल्का 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 आपको कांटेदार सा महसूस होगा। दूसरी साइड जो होता है वो इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल हल्का होता है। इस साइड में देखिए आप ग्रीन है, इस साइड में बिल्कुल ये हल्का कलर होता है। इसकी जो दूसरी पहचान है वो है इसके फूल। दोस्तों इसमें इसके जो पेड़ होते हैं उसमें सफ़ेद कलर का फूल होता है जो कि अपने आप गिर जाता है। सुबह के टाइम पे वो फूल खिलते हैं और रात में वो सारे फूल गिर जाते हैं। वो फूल जो होते हैं काफ़ी सुगंधित भी होते हैं और उनको काफ़ी सारे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थी दोस्तों इसकी पहचान। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पत्ते किन किन रोगों में काम आते हैं। दोस्तों हरसिंगार के जो पत्ते होते हैं वो आपको सर्दी जुकाम या फिर खांसी हो या फिर बहुत तेज आपको बुखार हो या हाथ पैर में जलन होती हो या फिर बिकोला जैसी कोई बीमारी हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर बिकोला में उसके लिए तो ये रामबाण है। कई सारे डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं क्योंकि मेरे घर में ही इसका पेड़ है, इसका पौधा है जिसके कि पत्ते काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आते हैं मेरे पास लेने के लिए। और ये पौधे जो होते हैं हर गांव में लगभग मिल जाते हैं। आप आसानी से हरसिंगार का पौधा बोलेंगे कोई भी आपको बता देगा। तो इन सारी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको जैसे कि कोई फोड़ा फुंसी हो गया हो तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गांव के लोग अगर उनको कोई घाव हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल पौधे के पत्ते को पीसकर लेप के तौर पर करते हैं। तो अब हम बताते हैं कि ये बिकोला जो बीमारी होती है या फिर जो बुखार होता है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप इस पौधे का जो औषधि है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें बहुत सारे पौधे होते हैं पेड़ में, जो बहुत सारे पत्ते होते हैं पेड़ में, उसका हम कैसे पहचान करेंगे कौन सा पत्ता हमको लेना है। तो दोस्तों इसमें आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे पत्ते जो खिले हैं एकदम ताज़े पत्ते जो होते हैं, इनको आम बोलचाल की भाषा में टूसा भी बोलते हैं। तो इस तरह के जो पत्ते जिस भी आपको टहनी में मिलेंगे आपको उसी टहनी को तोड़ना है और उसी टहनी के पत्तों का इस्तेमाल करना है। अब इसको हम तैयार कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे। इन बर्तन में आप 2 कप के बराबर पानी डालेंगे, ठीक है। 2 कप के बराबर हम इसमें पानी डालेंगे। ये 1 कप ले लिया हमने और ये 2 कप ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जितने भी पत्ते आप देख रहे हैं इन पत्तों को आपको पत्तों को आपको धो लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद धोने के बाद इन पत्तों को जब ये पानी गर्म हो जाएगा इसमें इसको डाल देना है। सारे पत्ते आप डालते चले जाएंगे इसमें, धीरे धीरे तोड़ करके सारे पत्ते इसमें डाल दीजिए। खासकर जो ये छोटे वाले पत्ते होंगे इनको भी आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद दोस्तों इसको आपको गर्म करना है। इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि जो ये 1-2 कप आपने पानी डाला था वो 1 कप पानी ना हो जाए। तब तक आपको इसको गर्म करना है, धीमी आंच में गर्म करेंगे और 1 कप पानी हो जाने के बाद इसके बाद आपको इन पत्तों को छान लेना है।
दोस्तों मैंने इसको खौला लिया है, तो आप देख सकते हैं पानी लगभग 1 कप हो गया है। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए इसको 5 मिनट तक खौलाया था, आपको इसको 1 घंटे तक खौलाना है। और दोस्तों इस पानी को आपको रात भर फिर छोड़ देना है, रात भर फिर इसको कुछ नहीं करना है। 2 कप पानी को हम खौलाएंगे और उसको 1 कप कर देंगे और रात भर फिर उसको हम छोड़ देंगे। फिर सुबह उठकर इसको आप हल्का सा गर्म कर ले और फिर इसको छान कर 1 कप जो होगा ये बराबर ये हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं 1 कप के बराबर ये हो गया। आपको इसको छान लेना है अच्छे तरीके से, 1 कप के बराबर ये हो जाएगा। और जब आप 1 कप होगा ये और जब आप 1 घंटे तक खोलाएंगे तो अभी आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन टी के आसपास लग रहा है, बट जब आप 1 घंटे तक खोलाएंगे तो ये हो जाएगा हल्का ब्लैक सा, हल्की जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसके कलर का ये आपको हल्का हल्का दिखेगा। तो उस तरह का जब आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपकी जो ये औषधि है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। दोस्तों खाली पेट इस नुस्खे को हम पियेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो बिकोला वाली समस्या है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। आप किसी भी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बोलेंगे कि उससे इससे अच्छी दवाई बिकोला या तेज बुखार के लिए कोई नहीं है। साथ ही जो आपको हाथ पैर में जलन होती है, आँखों में जलन होती है बुखार के दौरान, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इस पौधे के पत्ते से जुड़ी सारी जानकारी और इस औषधि को तैयार करने की विधि। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी को दबाएं। साथ ही आप कमेंट करके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और आपको इसको बनाने में भी कोई दिक्कत आए वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या आए, कोई भी आपको परेशानी आए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए नुस्खे नई विधि के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।